Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today I will be providing information about the Presto card. So ye Presto card hota kya hai? So whenever you are coming into Canada, you have to travel allowed. As an international student, definitely you have to travel allowed. तो जब भी कोई student यहाँ पे आता है उसको एकदम से cannot buy a car और सम अदर अल्टरनेटिव, सो उसको जो है बस में ही ट्रैवल करना पड़ता है. बट वेन यू ट्रैवल इन टू द बस, जो फेयर चार्जेस होते हैं बस के वो वेरी करते हैं. अगर आप उसको चिलर में पे कर रहे हो तो आपको $4 के करीब पे करना पड़ता है, विच इज़ एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू यू यूज़ योर प्रेस्टो कार्ड. लेकिन जब आप प्रेस्टो कार्ड यूज़ करते हो, विच इज़ जो बस का पास होता है, तो आपको जो है $3.10 इसके आसपास आपको पे करना होता है. तो प्रेस्टो कार्ड का ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है. बाकी जो प्रेस्टो कार्ड का जो फेयर होता है वो अकॉर्डिंग टू एज वेरी करता है. लाइक इफ़ यू आर एडल्ट और इफ़ यू आर पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट तो आपको 3.10 के आसपास पे करना होता है. लेकिन अगर आप एज्ड हो, ओवर 60 हो, तो आपको 1 point something आसपास इसके आसपास पे करना होता है. लेकिन अगर आप चिल्ड्रन हो तो आपको 2.25 के करीब इसके आसपास जो है वो पे करना होता है. अब मैं आपको बताती हूँ कि बाय यूजिंग प्रेस्टो कार्ड आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकते हो, किस किस ट्रांजिट के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो. सो देयर आर 11 डिफरेंट ट्रांजिट एजेंसीज लाइक ब्रम्पटन, बर्लिंगटन, डोरम, गो ट्रांजिट, हैमिल्टन स्ट्रीट रेलवे, MIV, ऑकविले, OC ट्रांस, TTC विच इज टोरंटो ट्रांजिट कमीशन एंड UP एक्सप्रेस यॉर्क रीजन ट्रांजिट. तो अगर आप इन रीजन में जाते हो तो यहाँ जो बसें यहाँ से जो भी आप बस लोगे उसमें आप प्रेस्टो कार्ड अपना यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ योर प्रेस्टो कार्ड एंड वेयर यू कैन गेट इट. सो आप किसी भी कस्टमर सर्विस आउटलेट से इसको परचेज कर सकते हो. सबसे अच्छा जो मुझे लगता है दैट इज़ शॉपर ड्रग मार्ट, आप वहाँ से इजली इसको परचेज कर सकते हो. उसके बाद ऑनलाइन वेबसाइट होती है, टिकट वेंडिंग मशीन होती है. तो हर स्टेशन के जो ट्रांजिट स्टेशन होते हैं वहाँ पे आपको टिकट वेंडिंग मशीन मिल जाती है, आप वहाँ से इसको जो है वो ले सकते हो. सो रिमेंबर, जब भी आप ऑनलाइन इसको परचेज करोगे या टिकट वेंडिंग मशीन से लोगे तो आपको $6 के आसपास पे करना होता है. वेंडिंग मशीन में जब आप इसको अपना प्रेस्टो कार्ड लोगे तो वहाँ पे आपको जो है $0.05 तक जो है वो लोड करना होता है. और अगर ट्रांजिट जो TTC है वहाँ पे आपको $5 के आसपास लोड करना पड़ता है. अब मैं बात करती हूँ शॉपर ड्रग मार्ट की, क्योंकि मैंने अपना भी वहीं से परचेज किया था. तो जब आप शॉपर ड्रग मार्ट में जाओगे तो वहाँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, बिकॉज दे हैव टू कन्फर्म कि आप पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट हो, एडल्ट हो. तो दे माइट सी योर पासपोर्ट और योर स्टडी परमिट. जब मैंने अपना प्रेस्टो कार्ड खरीदा था वहाँ से तो उन्होंने ओनली मेरा पासपोर्ट ही देखा था. तो यू कैन यूज़ योर पासपोर्ट, टोटली डिपेंड अपॉन यू, बट टू बी ऑन सेफर साइड आप अपना स्टडी परमिट भी लेके जा सकते हो. अब बात आती है कि आपको जो है जब आप प्रेस्टो कार्ड परचेज कर रहे हो उसके बाद आपको कितना अमाउंट उसमें लोड करना है. सो अगेन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, योर ट्रैवलिंग विजिट. तो आप जो है वो $10-20 मिनिमम, $10 और मैक्सिमम $1000 तक भी होता है. तो स्टार्टिंग में मैंने जो अपलोड करवाया था तो मैंने जो है उसमें $40 लोडेड करवाए थे. तो इतने के आसपास आप भी लोड करवा सकते हो. एंड देन नेक्स्ट देयर इज़ ऑप्शन ऑफ ऑटो लोड. तो आप ऑटो लोड भी अपने कार्ड को कर सकते हो. उसके लिए आपको सबसे पहले जो है प्रेस्टो कार्ड की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है अपने फ़ोन पे और लैपटॉप पे, कहीं पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो. यू हैव टू रजिस्टर. रजिस्टर करने के बाद जो है आपको वहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर रजिस्टरिंग, जैसे आप ऑटो लोड का ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल करते हो तो जब भी आपका अमाउंट कम हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक ही आपके प्रेस्टो कार्ड में अमाउंट थ्रू योर बैंक जो है वो ऐड कर देते हैं. रजिस्ट्रेशन का जो बेस्ट बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप कभी अपना कार्ड लूज़ कर देते हो तो आप प्रेस्टो ऐप में जाके वहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, जिसके थ्रू जो है आपके पैसे जो हैं वो कहीं वेस्ट नहीं होंगे, आपके पास वापस आ जाएंगे. सो गाइज, इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेस्टो कार्ड यू कैन कमेंट बिलो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस चैनल. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.